नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना YouTube चैनल एग्जाम आइडिया में। दोस्तों, झारखंड सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आई हुई है। जी हां दोस्तों, आज 2 नवंबर है और आज 2 नवंबर को सहायक आचार्य की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज़ करने के लिए झारखंड सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आई हुई है। जैसे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, हम ट्विटर खोल के रखे हैं और ये जो ट्विटर है झारखंड सरकार की ऑफिशियल ट्विटर है, इसी पर आया हुआ है। मैं नीचे स्क्रॉल करके सारी मैं डिटेल में बताऊँगा और आपको दिखाऊँगा भी कि इसमें जो सहायक आचार्य की नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो कितने तेज होने वाली है और कितने पद टोटल नियुक्ति होंगी और कब तक इसका फॉर्म आएगा, सारा चीज़ डिटेल में मैं इस वीडियो में बात करूंगा। तो अगर वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को जरूर एक लाइक बटन ठोक दीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि झारखंड से रिलेटेड जितनी भी एग्जामिनेशन होती है उसकी तैयारी और उसकी फॉर्म की डिटेल आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर IPRD झारखंड सरकार की ये ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, उसी पर आई है सहायक आचार्यों की नियुक्ति प्रक्रिया तेज़ करने के लिए। ओके, तो देखिए नीचे लिखा हुआ है सहायक आचार्यों की नियुक्ति प्रक्रिया तेज होगी और ये पेपर कटिंग है जो उसमें ट्विटर हैंडल पे डाला गया है, अभी जस्ट डाला हुआ और मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ। तब अब ये आ गया पूरा आपका फुल स्क्रीन में आपको पढ़ता हूँ, सारा चीज़ें मैं डिटेल में बताऊँगा। राज्य के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक आचार्यों के हाल ही में सृजित 50,000 वैकेंसी टोटल जो है वो सृजित किया गया है। टोटल 50,000 वैकेंसी, 50,000 में जो है जो पहला चरण में है अभी जो है सीटें वो 29,175 पदों की शीघ्र वैकेंसी निकालने वाली है सरकार, जिसकी स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को निर्देश दे दिया गया है। इसकी टोटल अधिसंख्या की जिलों वार और आरक्षण रोस्टर की निर्धारित की गई है, जिसमें सभी जिलों में कितने कितने सीटें होगी और कौन कौन से क्लियरेंस सब मिल जाएगा, उसके बाद इसकी जो है विज्ञप्ति हमारे कार्मिक विभाग को सौंपा जाएगा। उसके बाद वहां से भी अगर क्लियरेंस मिल जाएगा तो फिर ये JSSC को भेजा जाएगा और ये नवंबर माह तक, ये है जो आपका देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है, नवंबर माह तक ये सारे चीज़ें कंप्लीट कर ली जाएगी। ओके, देखिए विभाग की तैयारी नवंबर माह में नियुक्ति की अनुशंसा पर आयोग को भेजने की तैयारी है। हालांकि नियुक्ति एवं विज्ञापन अगले साल जनवरी फरवरी माह में ही आने की उम्मीद है, यानी कि आपकी जो ये सब प्रोसेस है नवंबर दिसंबर में हो जाएगी, लेकिन अभी एडवर्टीजमेंट जो हैगा सहायक आचार्य की वो आपका एडवर्टीजमेंट जनवरी फरवरी माह में ही आने वाली है, यानी कि 2023 में ये आएगी। आयोग ने में हाई स्कूल शिक्षकों के शेष पदों की नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ साथ सहायक आचार्यों पदों पर भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जा सकती है और बाकी जितने भी अभी फर्स्ट चरण में जो है 29,996 पदों की होगी, बाकी इसके बाद जो है वो अगले चरण की वैकेंसी आएगी, यानी कि टोटल जो भी सीटें आने वाली है टीचर्स की वो 25,000 आने वाली है। ओके, जो आपका पहला चरण में होगा और इसके बाद जो है आपकी टोटल जो है 11,000 होगा वो उच्च शिक्षा की होगा और 25,000 जो होगा आपको प्राइमरी के लिए होगा। टोटल वैकेंसी टोटल अभी जो आने वाली है इतनी आने वाली 2023 में। ओके, तो ये सारी डिटेल हो गई आपकी जो आपको सबको बताने होंगे, जो आपको सबको दिया गया है। इसमें से जो कौन कौन से विषय में होगी तो क्या लिखा हुआ है, उच्च प्राथमिक विद्यालय में नियुक्ति की 3 विषयों में होगी, जिसमें से विज्ञान है, गणित है, सामाजिक है तथा भाषा विभाग का, ये सारे चीज़ें हैं जो आपको मिलेगा, इसके टोटल वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। और मैं बात करता हूँ प्राथमिक विद्यालय में और इंटर की और सहायक कर्मचारी आचार्य नियुक्ति के लिए, तो इन विद्यालयों में विषयवार की नियुक्ति नहीं होगी। जैसे कि आपको पता है कि जब से 2020 का जो लागू किया गया है आपका ये क्या कहते हैं ये सॉरी नीति जो 2020 लाया गया है शिक्षा नीति, उसके अनुसार से आपको ये राज्य सरकार और राष्ट्रीय नीति के भी RTI प्रावधान लागू किया गया है, जो आपके नए कैलेंडर से ये लगाया जाएगा और इसमें कोई विषयवार जो है टीचर्स नहीं बनेंगे प्राइमरी के लिए बनते भी नहीं है। टोटल जब वैकेंसी की मैं बात करूँ तो दोस्तों टोटल 50,000 वैकेंसी है दोस्तों, और ये कम वैकेंसी नहीं है, लेकिन ये एक साथ में नहीं आएगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ये चरण वाइज आएगा, जो पहला चरण में आएगा वो आपको 29,000 के लगभग में आएगा और प्राइमरी टीचर के लिए जो वो है आपका 25,000 और जो आपका हायर के लिए है वो 14,900 वैकेंसी है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगती होगी और वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।